आइए हम लोग देखते हैं क्लास 6 हिंदी व्याकरण में फर्स्ट चैप्टर का अभ्यास प्रश्न। इसके पहले हम आपको लेसन पढ़ा चुके हैं पिछले वीडियो में। आइए नेक्स्ट वीडियो में हम अभ्यास प्रश्न में देखते हैं। पेज नंबर 7 बुक आप ओपन कर लीजिए, ध्यान दीजिए। पहला आपका है सही उत्तर छांट कर लिखिए, सही उत्तर छांट कर लिखिए। राष्ट्रभाषा की मान्यता प्राप्त भाषा है, राष्ट्रभाषा की मान्यता प्राप्त भाषा है कौन सी है? हिंदी। नेक्स्ट आपका है संस्कृत भाषा की लिपि कौन सी है? देवनागरी, फारसी, रोमन। कौन सी है? देवनागरी। ठीक, हिंदी को भारत की राजभाषा का दर्जा कब मिला? हिंदी को भारत की राजभाषा का दर्जा कब प्राप्त हुआ? ठीक, 15 अगस्त 1947, 26 जनवरी 1950, 14 सितंबर 1949, किसमें? ये आपका लास्ट वाला। ठीक है, 14 सितंबर 1949 को। सभी भाषाओं की मूल भाषा है, कौन सी भाषा है मूल भाषा? सब सभी भाषाओं की मूल भाषा हिंदी है, संस्कृत है, पाली भाषा है, कौन सी है? ये आपकी सभी भाषाओं की मूल भाषा हमारी क्या है? संस्कृत। ठीक है, सभी भाषाओं की मूल भाषा कौन सी है? संस्कृत। इसी भाषा से सभी भाषाओं का जन्म हुआ है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, जहाँ नहीं समझ में आएगा हम आपको बताएंगे। आप लोग सही से बुक ओपन कर लीजिए, पेज नंबर 7 पर ध्यान दीजिएगा। आप लोग पेज नंबर 7 राइट साइड का पेज है आपका, सही उत्तर छाँट कर लिखिए, हमने आपको करवा दिया। अब आइए नेक्स्ट क्या है, सही के सामने सही तथा गलत के सामने गलत का निशान लगाइए। ध्यान दीजिए, हिंदी की राजभाषा भोजपुरी है, हिंदी की राजभाषा भोजपुरी है? गलत, नहीं, हिंदी की राजभाषा भोजपुरी नहीं है, इसलिए क्रॉस लगा देंगे हम लोग। राजभाषा और राज्य भाषा अलग अलग होती है? यस। चौदह सितंबर 1949 को हिंदी को भारत की राजभाषा घोषित किया गया। आप अभी आपको फिलिंग द ब्लैंक्स उत्तर छाँट कर लिखिए, जो था अभी ऊपर उत्तर छाँट कर लिखिए, अभी आपको हम जो ऊपर बताया अभी आपको उसी में का देखिए, उसी का क्वेश्चन इसमें आ गया है। 14 सितंबर 1949 को हिंदी को भारत की राजभाषा घोषित किया गया, भारत की राजभाषा देखिए ऊपर दिया गया है, हिंदी को भारत की राजभाषा का दर्जा कब प्राप्त हुआ? ठीक है, या घोषित किया गया, वही बात है। ठीक, सही। भाषा विकास करके बोली कहलाने लगती है, बल्कि ठीक इसका अपोजिट हो सकता है, बोली विकास करके भाषा कहलाने लगती है। ठीक है, इसका अपोजिट, लेकिन ये गलत है, भाषा विकास करके बोली नहीं कहलाती। ठीक है, भाषा निरंतर गतिशील होती है, हाँ भाषा हमारी निरंतर गतिशील होती है, भाषा जो हमारी निरंतर गतिशील होती है। इसके आगे आपका है निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी राइट करिए, लिखिए, और उसके बाद है आपका निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए, इसको हम आपको बताएंगे। ठीक है, ध्यान दीजिए आप लोग, अब हम इसको आपको बताएंगे। ठीक,